और इस वक्त एक बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से मिल रही है, जहां पर धमाका हुआ है। सूफी दरगाह के पास ये धमाका हुआ है, जिसमें अब तक 3 लोगों की मारे जाने की खबर है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से। आपको याद होगा कि अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब पाकिस्तान के क्वेटा में एक बड़ा बम धमाका हुआ था, जिसमें कई सारे लोगों की मौत हुई थी, कई लोग जख्मी हुए थे। और सबसे बड़ी बात, ये रमजान का महीना चल रहा है, उसमें सूफी दरगाह के पास ये धमाका। सवाल ये कि धमाका किसने करवाया, कैसा ये धमाका है। लाहौर में सूफी दरगाह के पास रमजान के दूसरे दिन ये बड़ा धमाका, जिसमें अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर। अभी कुछ वक्त पहले ही क्वेटा में हजारा समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। एक बड़ा बम धमाका वहां पर हुआ था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और अब सूफी दरगाह के पास पाकिस्तान के लाहौर में धमाका हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तो वो पाकिस्तान जो आतंकियों को पालता पोसता है, वो पाकिस्तान जो आतंकी की जड़ों को सींचता है, वो खुद इससे प्रभावित है। और कई दफा अमेरिका जैसी शक्तियों ने ताकीद भी की कि अगर आपको खुद को बचाना है तो ऐसे सबको लोगों को अपने आस्तीन से बाहर करना होगा, लेकिन ये पाकिस्तान मानता नहीं। और इसका खामियाजा वहां के हुक्मरानों की गलतियों का खामियाजा वहां की आवाम को उठाना पड़ता है। और आज रमजान के दूसरे दिन एक बार फिर से धमाके से लाहौर दहल गया है। सूफी दरगाह के पास ये धमाका हुआ है, तो अब तक 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। दाता दरबार के बाहर ये धमाका हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। 4 लोग करीब मारे गए हैं, कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, और आपको वो तस्वीर भी याद होगी कि किस तरह से आतंकियों ने एक बार एक स्कूल को निशाना बनाया था, जिसमें मासूम बच्चों की जान ले ली गई थी। और एक के बाद एक केवल ये आतंकी हमले भारत पर ये पाकिस्तान नहीं करवाता। कहते कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ये ही सपोले पाकिस्तान को भी डसते रहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिर रही है, एक तरफ IMF से वो भीख मांग रहा है, तो दूसरी तरफ उसके पाले हुए सांप उसको डस रहे हैं। एक और धमाका हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान की आवाम की क्या गलती है। और प्रधानमंत्री इमरान से जो उम्मीदें की गई थी, वो उम्मीदें कहां गई। लगातार ये धमाके क्यों हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले क्वेटा में भी धमाका हुआ था, जिसमें 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे, कई लोग जख्मी हुए थे। तो अब तक 4 लोगों की मौत हुई है इस धमाके में, 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ये अल्लाह की इबादत का पाक महीना है, रमजान का महीना, जिसका दूसरा दिन लोग दरगाह पर भी जियारत करने पहुंचते हैं अलग अलग ढंग से। इस पाक महीने में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, गरीबों की मदद की बात करते हैं। और ऐसे में ये धमाका अपने आप में कई सवाल उठाता है कि एक कट्टरपंथ की राह पर चलने वाला देश, वो आतंकी जो अल्लाह की इबादत में शहादत की बात कहते हैं, इस तरह की धमाकों को जिहाद का नाम देते हैं, इसको जायज ठहराते हैं। तो अब जरा ये वो बताएं कि आखिर रमजान के महीने में किसी की जान लेना कुरान में कहां है। अल्लाह ने क्या यही सिखाया है, जिहाद के नाम पर और कितनी बलियां ली जाएंगी। और ये आतंक का जो दंश है, वो पूरा विश्व झेल रहा है, पूरी दुनिया झेल रही है। सवाल ये कि ऐसे कट्टरपंथी आतंकवादी संगठनों पर पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करता है। जब भी उसके सिर पर डंडा चलाया जाता है, जब विश्व शक्तियां उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करती हैं, तभी वो कुछ खाना पूर्ति के नाम पर, दिखावे के नाम पर कार्रवाई करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन इसके जड़ को उखाड़ फेंकने की कोई कोशिश नहीं करता है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, लाहौर में सूफी दरगाह के पास धमाका हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धमाके में अब तक 4 लोगों की जान गई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। महंगाई चरम पर है पाकिस्तान में, विश्व स्तर पर उसकी थू थू हो रही है, तो उसके अंदर बैठे उसी के पाले सांप उसको डस रहे हैं।